जी जनाब, आइए अब हम एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ चलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत अहमियत रखता है। वो ये सवाल है कि व्हाट डू वी मीन बाय डेटा। डेटा से हमारी मुराद क्या होती है, डेटा कहते किसको हैं, और कौन कौन सी चीज़ डेटा कहलाती है और कौन सी चीज़ डेटा नहीं कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं डेटा क्या होता है और डेटा की टाइप्स क्या होती हैं। देखिए जनाब, स्क्रीन पे आपके सामने डेटा के बारे में लिखा हुआ है, वट एवर वी रिसीव फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड थ्रू अवर रिसेप्टर्स। ये थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। आपको आपने खवास हमसा का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है। हमसा तो पांच को कहते हैं और खवास वो रिसेप्टर्स हैं जो कि इंसान को मिले हुए हैं। अब वो खवास कौन कौन से हैं, यानी आपके सुनने की सलाहियत, आपके देखने की सलाहियत, आपके चखने की सलाहियत, आपके महसूस करने की सलाहियत, यानी आप गौर कीजिए, और आपके सूंघने की सलाहियत। आपको पांच सेंसेस दी गई हैं, वो आपके रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं, वो आपके खवास भी कहलाते हैं। अब इंसान होने के नाते हम अपनी इन्वायरमेंट से जो कुछ भी हासिल करते हैं या लेते हैं वो इन पांच शक्लों में होता है। या तो वो किसी नज़ारे की शक्ल में होता है जो हमारी आंख देखती है, या वो किसी आवाज़ की शक्ल में होता है जो हमारा कान वसूल करता है, या वो किसी बू या खुशबू की शक्ल में होता है जो हमारा नाक जिसको वसूल करता है, या वो किसी जायके की शक्ल में होता है जिसको हमारी ज़ुबान महसूस करती है, या वो कोई एहसास होता है, सर्द हो, गर्म हो, सख्त हो, नरम हो, जिसको हमारी जिल्द महसूस करती है। तो अब ये देखें, इसका मतलब है कि आपके पास डेटा इन पांच शक्लों में आएगा। यानी ये जनरली मैं आपको समझा रहा हूँ, नज़ारे होंगे, यानी जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं, ये एक डेटा आ रहा है आपके पास। आप मुझे ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आप मुझे सुन भी रहे हैं, लेकिन ना आप मुझे महसूस कर रहे हैं, ना आप मुझे सूंघ सकते हैं या मेरी इन्वायरमेंट को सूंघ भी नहीं सकते इस वक्त, और ना आप चख सकते हैं, लेकिन दो रिसेप्टर्स आपके इस वक्त काम कर रहे हैं। आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं। तो अजीज़ा ने मन, डेटा के बारे में आप क्लियर रहिए कि डेटा वो सब कुछ डेटा कहलाता है जो हम अपने इन फाइव रिसेप्टर्स से कबूल करते हैं, और हम तक इंफॉर्मेशन इन्हीं पांच शक्लों में पहुंचती है। इसमें फिर हर शक्ल की अपनी वैरायटी है, लेकिन हम तक इंफॉर्मेशन इन्हीं शक्लों में पहुंचती है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करके सेंस मेकिंग करते हैं, और इसी तरह से जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है इसके बारे में हम एक सेंस बनाते हैं। ना आवाज़ की एक ख़ास किस्म से आपको लगता है कि कोई हादसा पेश आ गया है, आपको लगता है कोई मसला हो गया है, आपको लगता है कोई शादी हो रही है, आपको नज़ारे से देखने से अंदाज़ा होता है कि क्या हो रहा है, सूंघने से भी आपको मौका कहीं बारूद फटा है, कहीं फूल खिल गए हैं, इस तरह से ही आप चखने से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं चीज़ों के बारे में, और अपनी जल्द से महसूस भी कर लेते हैं। उम्मीद है आपको डाटा के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। अच्छा, अब आप आइए, आम तौर पे डाटा की एक और एंगल से दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। मार्केटिंग में इसका बहुत हवाला आता है, तो आइए ये दोनों क्या होते हैं। अच्छा, एक प्राइमरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फॉर स्पेशल रिसर्च पर्पस। आप खुद जो मालूम इकट्ठी करते हैं ना, आपने कहा किसी जगह के बारे में जानना कि यार वो इलाका कैसा है, आप खुद वहाँ जाते हैं और जाकर वहाँ से जो मालूमात लेकर आते हैं वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। वो डाटा, वो मालूमात जो आप खुद कलेक्ट करते हैं एज अ रिसर्चर, वो प्राइमरी होती है, फर्स्ट हैंड जो कलेक्ट की जाती है। और दूसरी है सेकेंडरी डाटा, कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स समवेयर हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। यानी आप देखते हैं कि अखबारात की शक्ल में, जराइद की शक्ल में, मैगजीन्स की शक्ल में, जर्नल्स की शक्ल में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स की शक्ल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती है। वो जितना भी डाटा उस जरिए, इन जरियों से हमें मिलता है, वो सेकेंडरी डाटा है, जो किताबों में पब्लिश होता है,
उसकी वजह है कि ये डाटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया होता, किसी और ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है, लेकिन हम उससे फ़ायदा उठा सकते। इसकी एक टिपिकल मिसाल है कि जो पॉपुलेशन सेंसस, जो मर्दमशुमारी हुकूमतें करती हैं, वो हुकूमतें असल में मार्केटिंग वालों के लिए नहीं करती। वो हुकूमतें अपनी मुल्क में अपनी आबादी के लिहाज से अपने रिसोर्सेज के डिसीजन लेने के लिए करती हैं, अपनी प्लानिंग के लिए करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स पर जो डाटा पब्लिश कर देती हैं पॉपुलेशन सेंसस का, या हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गवर्नमेंट जो मुआशी इशारिये अदाद व शुमार पब्लिश कर देती है, वो तमाम स्टैटिस्टिक्स, वो डाटा जो है वो मार्केटिंग वालों के लिए थोड़ी पब्लिश किया जाता है। वो तो अपने काम के लिए करते हैं, लेकिन हम भी उस पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। तो ये वो तमाम डाटा जो किसी और ने किसी प्राइमरीली किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया है लेकिन पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल है, उसको जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको कहा जाता है जनाब सेकेंडरी डाटा। मुझे उम्मीद है कि आपको डाटा और डाटा की इन दो टाइप्स के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।